मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे जो नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के आपके विशेष बीएड विशेष और बीएड सामान्य शिक्षा डीएलएड सामान्य शिक्षा जो आपका बीएड डीएलएड आपका एग्जाम होना है, एंट्रेंस एग्जाम होना है, उसके एडमिट कार्ड के बारे में। ये देखिए हम नोटिस पे हैं, अधिसूचना में 31/5/2024 को तीन पालियों में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या बीएड विशेष का, बीएड सामान्य का और डीएलएड का। तो आप सभी आज 23 मई है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, आप लोग अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है इसके बारे हम बात करेंगे इसमें, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए हम इसकी नोटिस पे नोटिस में आपको दिखाया इसके इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब इसकी साइट पे हम चलते हैं, ये देखते हैं। ये देखिए हम इसकी ऑफिशियल साइट पे, और नीचे स्क्रॉल करते हैं न्यू नोटिफिकेशन में जाते हैं, तो देखते हैं कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड के बारे में नहीं आई हुई है। आपका एडमिट कार्ड के बारे में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड कब आ सकता है। देखिए आपका 31 मई को एग्जाम है तीन पालियों में, और आप सभी लोग का एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आने की उम्मीद होती है। तो आपका जो एडमिट कार्ड 25 मई के बाद ही आने की उम्मीद बन रही है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, एक संभावना कि 25 मई के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।